दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए अपडेट एवं अलर्ट न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। तो क्या है अपडेट न्यूज, कैसा है सिक्का, क्या इसकी खासियत, थोड़ा जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से मैं लेना चाहूंगा आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि आप अपडेट रहे। तो चलते हैं अपडेट की ओर, क्या है खास इस सिक्के में और कब यह लॉन्च हुआ है और क्यों इसे लॉन्च किया है। दोस्तों अपडेट न्यूज निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 100 रुपए का स्मारक सिक्का। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी कर दिया है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के 95वां जन्मदिवस है। ऐसे में केंद्र सरकार इस दिन में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा मन आज भी नहीं मानता है कि अटल जी हमारे बीच नहीं है। तो राजनीतिक मंच से करीब एक दशक दूर रहने के बावजूद भी देश ने इतना शानदार तरीके से उनकी विदाई दी जो काफी खास है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं के बल पर अटल जी ने इतना बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया था कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अटल जी के बोलने का मतलब देश का बोलना और सुनने का मतलब देश का सुनना था। उन्होंने कहा कि अटल जी ने लाभ और स्वार्थ की बजाय देश और लोकतंत्र में सर्वोपरि रखा एवं उसे चुना। दोस्तों कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले कि अटल जी का सिक्का हमारे दिलों पर 50 साल चला और आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो चाहा उसे हर हाल में पूरा किया और उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। यही कारण रहा कि जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन भी किया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कुछ लोगों के लिए सत्ता ऑक्सीजन की तरह है, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अटल जी के राजनीतिक कार्यकाल का अधिकतर समय विपक्ष में बीता और उन्होंने कहा कि अपनी विचारधारा से उन्होंने समझौता नहीं किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। इसी साल 16 अगस्त को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था और अटल बिहारी वाजपेयी 2009 से ही लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले कई करीब 8 से 9 वर्षों के लिए वह राजनीति से दूर थे। दोस्तों अच्छी खबर है जो है कल उनकी जो है स्मृति में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट न्यूज आपके लिए और आप भी अब 100 रुपए का सिक्के का जो है लुप्त उठा सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार की डेली तमाम अपडेट अलर्ट न्यूज को तुरंत प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज को और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहे आप देखने तमाम अपडेट अलर्ट खबरों से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।